नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उरई के जालौन शहर मोहल्ला नया पटेल नगर करशान रोड उरई के दर्जन भर लोगों ने आज सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन फीड कर नवनिर्मित नलकूप से मोहल्ले में पाइपलाइन बिछवाए जाने की मांग उठाई है। शहर के मोहल्ला नया पटेल नगर करशान रोड निवासी माशूक भाई एवं इमरान मंसूरी के नेतृत्व में मेहदी हसन, बाजिद अली, माशूम अली हुसैन, अब्दुल सलाम, राम सिंह हरिदास, ताहिर रामजी, वाजिद साहब, निशार सकूर मंसूरी, लाल सिंह पंचाल आदि ने ज्ञापन देते हुए बताया कि मोहल्ले में पानी की बहुत विकट समस्या है। इस मोहल्ले में मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तथा पानी की समस्या के कारण सभी का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से बच्चों पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने नलकूप की भी व्यवस्था करवाई है जो विद्युत कनेक्शन सहित कंप्लीट है, लेकिन पाइपलाइन न बिछने के कारण समस्या चौकी त्यों बनी हुई है। उक्त लोगों ने मोहल्ले में पाइपलाइन बिछवाए जाने की मांग प्रशासन से उठाई है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए गोविंद दाऊ की रिपोर्ट। पानी की परेशानी है मंसूराबाद में, हर महिला परेशान हो रही है, घर घर पानी नहीं मिल रहा, बच्चों को कैसे नहलाएं धुलाएं ऐसे में कहां, और जहां समरन में जो महिला पानी देती है पैसों से लेती, कब तक पैसे दें, मजदूरी करें कि पानी का पैसा दे दें। कहाँ का मामला है? मंसूराबाद मस्जिद के पास कब्रस्तान में लगा ट्यूबवेल, उसको चालू नहीं कर रहे, 2 साल हो गई है, हर महिला घर घर परेशान हो रही, हर हर घर करसान रोड पे। कब से परेशान हो आप लोग? कम से कम यही थे, पानी का है ही नहीं है साधन, 10-15 साल हो चुकी है। कितने परिवार हैं? परिवार तो हुए होंगे कम से कम 500 आदमी, 700 आदमी हो सकता, 500 से ऊपर ही हो सकता है ना, अकेले कोई महिला के लिए कोई मदद नहीं है। जब सरकार के ना कुछ पड़ता है तो वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, अगर गरीबी आती है परेशानी आती तो कोई देखने नहीं जाते कि क्या कर रही महिला, क्या नहीं कर रही, कैसे क्या करेंगे, पानी पैसा देंगे कि 300 रुपया मजदूरी पे जाएंगे कि पानी का पैसा दे। कितना पैसा दे रहे हो पानी का? पानी का कोई 400 लेता है, कोई 250 ले रही है, कोई 300 ले रही है, कोई 500 ले रही है, कहाँ कहाँ तक दे रही महिला। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों की? एन की है, आई है इधर, कोई पाई नहीं है। आज हम डीएम साहब के पास आए सब महिला मिल के, अब वही हमारी जो मदद करेंगे वही करेंगे, पाइप लाइन डर जाए, सबको परेशानी होती है पानी से। कहाँ के रहने वाले हैं? करसान रोड नया पटेल नगर मंसूराबाद। आप यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं, क्या समस्या है पूरी बात बताएं। साहब कम से कम 10 साल हो गए पानी की समस्या को, अब यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, अब ट्यूबवेल नया बना के हो गया है, उसको कम से कम 1.5 साल हो गए लगे हुए, पाइप लाइन बिछ नहीं रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, मजदूरी करने जाएं, क्या काम करें, बच्चों के लिए दे रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है पानी की पीछे। कितने परिवार हैं जो लोग? कम से कम वहाँ पे 1500 परिवार रहता है। फिर पानी की समस्या आप कैसे दूर कर रहे हैं? पानी की समस्या से किसी की समझ लगी हुई है तो उनसे हा करके गलिया के उनसे कह लेते हैं भैया पानी दे दो, तो वो लोग रहम खा के हमको लोग पानी दे देते हैं, लेकिन अब बिजली की समस्या इतनी चल रही कि उन्होंने भी पानी को हम लोगों को बंद कर दिया है, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।